जी भाई पैसे मेरे पास ही हैं। पैसे कहाँ गए मेरे? ओ भाई जा रहा। भाई बात सुनो। जी भाई क्या बात है? इधर रुको बात सुनो मेरी। पैसे मेरे तूने चुराए हैं? अरे भाई छोड़ो इसको, और कौन से पैसे की बात कर रहे हो आप? जो मेरे पैसे चोरी किए हैं वो निकालो। ओ भाई कुछ होश करो, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने कोई पैसे देखे भी नहीं आपके पास। अरे भाई मुझे पता है पैसे मेरे तुम्हारे पास ही है, और खामोशी से निकाल दो मेरे पैसे। अरे भाई नमाज का वक्त आ रहा है, मस्जिद नमाज पढ़ने आया, मुझे क्या पता। अच्छा तो तुम ऐसे शराफत से पैसे नहीं दो। अरे भाई क्यों बेवजह मारी जा रहे, मैंने एक बार बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है आपके। अच्छा ये बात है, रुको मैं आपकी तलाशी लेता हूँ। कहाँ जा सकते हैं? अरे भाई होगी तसल्ली, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे काम का शक कर रहे मुझ पे। अगर तुम्हारे पास नहीं है पैसे तो फिर कहाँ जा सकते हैं? बताओ मेरे पैसे कहाँ है? अरे भाई क्या मसला है यार, आपस में दोनों लड़ रहे हो, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम दोनों को। देखो भाई मैं उधर बाइक के पास खड़ा कार सुन रहा था, और ये पास से गुजरा और इसने मेरे पैसे चुरा लिए, अब ये मान नहीं रहा। देखो भाई अगर आपने इसके पैसे चुराए हैं तो इसे दे दो। अरे भाई मैंने इसके कोई पैसे नहीं चुराए, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था, इसको गलत फहमी हुई है। देखो भाई ये सीधा और साफ झूठ बोल रहा है, और मेरे पैसे भी इसी के पास हैं। अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने इसके पैसे नहीं देखे और मेरे पास नहीं है कुछ भी। अरे भाई ये तो शरीफ लड़का है, इसने पैसे नहीं चुराए होंगे, ये तो नमाज पढ़ने जा रहा था। अगर फिर भी आपको इस पे यकीन नहीं तो इसकी तलाशी ले लें, अगर इसके पास होंगे तो निकल आएंगे। भाई मैंने इनकी तलाशी ले ली है पर इनके पास से पैसे नहीं निकले। अगर भाई आपने तलाशी ले ली है तो इतनी जल्दी ये पैसे कहाँ रख सकते हैं? तो आप फिर इसे जाने दें, क्यों परेशान कर रहे हैं बेचारे को? ठीक है भाई फिर मैं कहीं और देख लेता हूँ। ठीक है भाई वो तो लड़का चला गया, अब आप भी जाएं और नमाज अदा कर लें। भाई मैं झूठ बोल रहा था, उसके पैसे मैंने ही चुराए थे। क्या पैसे तुमने चुराए हैं? फिर तुमने झूठ क्यों बोला? अभी के अभी पैसे निकालो और उसे दे के आओ। भाई साहब ये पैसे उसके नहीं है, उसने भी किसी के चोरी किए हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने अपनी दुकान सेल कर दी है और मैंने पैसे को भी इंतजाम कर लिया है, आप बेफिक्र होकर मेरे भाई का इलाज शुरू करें। 2 लाख अगर ये मेरे पास आ जाए तो जिंदगी का मजा बन जाए। पैसे? ये पैसे लेके भाग गए। और हाँ भाई ये जिसके पैसे हैं मैं उसको वापस करने जा रहा हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, अब ये जिसके पैसे हैं उसको दे आए। ठीक है भाई साहब मैं अभी चलता हूँ। यार मैं अब अपने भाई का इलाज कैसे करूँगा, मेरी दुकान भी चलेगी और मेरे पैसे भी चले गए। या अल्लाह अब तू ही मेरी मदद कर। भाई साहब ये ले अपने पैसे। मेरे पैसे? मेरे पैसे आपके पास कैसे आए? अरे भाई एक चोर आपको बेहोश करके आपके सारे पैसे ले गया था और मैं उसे देख रहा था, अभी मैं उस चोर से आपके पैसे छीन के लाया हूँ। बहुत शुक्रिया भाई आपका, ये पैसे मेरे भाई के इलाज के लिए थे, अब मैं उसका इलाज करवा सकूंगा। ठीक है भाई जान आप इन पैसे से अपने भाई का इलाज करवाएं, और मैं अल्लाह पाक से दुआ करूंगा आपके भाई को जल्दी सेहत मिले। ठीक है भाई फिर मैं चलता हूँ। किसी मजलूम पर जुल्म करता देखकर चुप न रहें, क्योंकि वो वक्त आप पर भी आ सकता है। आए आज अहद करते हैं कि किसी मजलूम पर जुल्म देखता चुप नहीं रहेंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा पेज फॉलो कर लें। शुक्रिया।